एवरीवन, वेलकम टू द रिविट आर्किटेक्चर ट्यूटोरियल सीरीज बेसिक टू एडवांस। और ये है आपकी वीडियो नंबर फाइव में हम डिस्कस करेंगे डोर्स को कैसे इंसर्ट करते हैं, उनके साइज को कैसे चेंज करते हैं, डिफरेंट टाइप के डोर को कैसे इंसर्ट करते हैं, उनके टैगिंग कैसे करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फिर आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इंजीनियर्स फॉर सिविल यूट्यूब चैनल पर जाके उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पर आप सिविल इंजीनियरिंग के अदर सॉफ्टवेयर्स के ट्यूटोरियल्स की पूरी पूरी सीरीज़ देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे और प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको डिफरेंट सॉफ्टवेयर की फुल प्लेलिस्ट मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे जैसे ये है रिविट आर्किटेक्चर, ऑटोकैड, कुछ वीडियोज़ मोटिवेशंस की हैं, अबाकस, ई टैब, गेट, मैटलैब, ई टैब, स्टैट प्रो, इन सब की फुल सीरीज़ आपको मिल जाएगी। आप यहाँ से देखकर सॉफ्टवेयर को सीख सकते हैं। और आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए सिविल इंजीनियर से रिलेटेड तो आप मेरी वेबसाइट engineersforcivil.com पर भी जा सकते हैं। ये मेरी वेबसाइट है, थोड़ा इंटरनेट स्लो की वजह से लोडिंग हो रही है इसमें, और आप मेरे फेसबुक पेज पर भी यहाँ से जा सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जो आने वाले सॉफ्टवेयर ट्यूटोरियल्स और ई टैब, स्टैट प्रो, अबाकस, एनसिस, सैप 2000, इनकी सीरीज़ जो और एडवांस सीरीज़ आने वाली है उनका नोटिफिकेशन मिल सके, और रिविट आर्किटेक्चर की जो मैं पूरी सीरीज़ डालने वाला हूँ एडवांस तक उसका नोटिफिकेशन मिल सके, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपके कुछ हेल्प हुई हो, तो प्लीज़ इसको शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रिविट आर्किटेक्चर 2016 ट्यूटोरियल सीरीज़ बेसिक टू एडवांस। ये ट्यूटोरियल सीरीज़ स्टार्ट करने से पहले सॉरी इस ट्यूटोरियल दिस इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम एक प्लान ड्रॉ करेंगे। प्लान ड्रॉ करने के बाद हम उसमें डोर इंसर्ट करना और डोर्स को कैसे मॉडिफाई और कैसे रिप्लेस करते हैं वो करना सीखेंगे। तो ये आपकी वेलकम स्क्रीन आ चुकी है। वेलकम स्क्रीन पर हम जाएंगे आर्किटेक्चर टेम्पलेट पर, ये हमारा वर्किंग स्क्रीन आ गई। डिफ़ॉल्ट जो व्यू सिलेक्ट है ये है हमारा प्लान टॉप व्यू, और ये चार कैमरे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक रफली एक प्लान बना लेता हूँ, तो हम वॉल पे क्लिक करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम एक प्लान बना लेते हैं, छोटा सा ही प्लान बनाएंगे हम। बस क्लिक करते जाना है और प्लान बनता जाएगा। विदाउट डायमेंशन हमने प्लान बना लिया, ठीक है, ये हमारा है प्लान। इसको अगर हम 3D में देखें तो 3D में प्लान दिख चुका है। यहाँ पे हम कर लेते हैं शेडेड व्यू और यहाँ से कर लेते हैं फाइन डिटेल। बट हमने जो वॉल की हाइट है वो हमने नहीं डाली थी वॉल इंसर्ट करते वक्त, तो अब हमें क्या करना है, हमने क्या क्या सारी वॉल सेलेक्ट की और यहाँ से इसको कर दिया 4 मीटर। mm में यूनिट है हमारी, तो हमने कर दिया 4000। ये हो चुका है हमारा level 1, ठीक है। अब हम जाते हैं प्लान पर, ये रहा हमारा प्लान, और यहाँ पर है आपका डोर। DR प्रेस भी कर सकते हैं आप, डोर पर यहाँ पर जा भी सकते हैं। किसी भी आइकन पर ले आते हैं तो उसकी डिटेल बताता है, बहुत अच्छी डिटेल बता रहा है। ये 3D व्यू है और ये प्लान व्यू है, इन एरो का क्या मतलब है अभी देखते हैं। तो मैंने डोर पे क्लिक किया और यहाँ पे लिखा हुआ M सिंगल फ्लश डोर, और उसकी डायमेंशन है 915x2134 mm, और उनके अलग अलग साइज़ का सिर्फ M सिंगल फ्लश एक ही डोर है, वो भी अलग अलग साइज़ का। तो सबसे पहले हम छोटा डोर लेते हैं और छोटे डोर को इस कमरे में हम लगाते हैं। अब कहाँ लगाना है आप माउस से डिसाइड कर लीजिए। मान लीजिए हमने यहाँ पे डोर लगा दिया। डोर लगाने के बाद इसमें डोर का नंबर भी आ रहा है, इसको हटा देते हैं, ये मेरे को अभी नहीं बताना था आपको, ठीक है। तो हम इसमें से एक छोटा सा डोर ले लेते हैं और इसको यहाँ लगा देते हैं।
जहाँ पर आपको लगाना है वहाँ पोजीशन माउस ड्रैग करके, अब थोड़ा सा आप अंदर की तरफ माउस ले आएंगे तो डोर अंदर की तरफ ओपन होगा, थोड़ा सा बाहर की तरफ माउस को ले आएंगे तो डोर बाहर की तरफ ओपन होगा। ठीक है, तो मैं ऐसे अंदर की तरफ क्लिक कर देता हूँ, ये डोर बन चुका है। ठीक है, इसको 3D में देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, एक बार हम इस कमांड को कैंसिल करते हैं, ये रहा हमारा डोर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हम दोबारा से प्लान पे जाते हैं, अब इसको समझते हैं। इस डोर पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इस एरो का मतलब है आपको डोर का जो ओपनिंग हमारा पैनल है वो कहाँ रखना है। देखिए, इस पे क्लिक करता हूँ तो इधर आ गया, इस पे दोबारा क्लिक करता हूँ तो इधर आ गया, और इस वाले एरो का मतलब है कि ओपनिंग किधर रखनी है, आउटसाइड के इनसाइड। ठीक है, अब डोर लग चुका है, ओपनिंग भी डिसाइड कर ली है, बट ये डिस्टेंस हमने चेंज करनी है। तो यहाँ पे अगर मैं 500 डाल देता हूँ मैं, तो देखिए 500 का डिस्टेंस आ गया। ठीक है, तो ये एक डोर लग चुका है। अब हम दूसरा डोर ले लेते हैं दूसरे साइज का। ठीक है, उसको लगाते हैं हम यहाँ पे, ये लग चुका है सेम। आप इसमें कुछ चेंज कर सकते हैं, इनसाइड आउटसाइड और डिस्टेंस। अब हम दूसरा डोर लेते हैं, एक बड़ा सा 915 का डोर ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और इसको करते हैं डोर को इधर। अब ज़रा 3D में चेक कर लेते हैं इसको हम, तो 3D में देखिए हम 3 डोर लगा चुके हैं। ठीक है, अब दोबारा हम प्लान में जाते हैं, और आप इस डोर पे अगर क्लिक करेंगे ना, आप यहाँ से भी ऐसे ड्रैग कर सकते हैं जो डिस्टेंस आपको चाहिए, या फिर आप डिस्टेंस यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, अब 3D में इसको हम चेक कर चुके हैं, अब देखिए हमें क्या करना है। 3D में एक बार और चेक करते हैं, और देखिए पहले यहाँ पर एक डोर लगाते हैं। ठीक है, उसी में हम सीखेंगे डोर, 915 वाला डोर हम कहाँ लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं। ठीक है, अब 3D में इसको चेक करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं, ये रहा ये है हमारा डोर। इस अगर इस पर क्लिक करते हैं तो ये 915x2134 mm का डोर है। यहाँ पे डिस्टेंस आप चेंज कर सकते हैं 3D में भी। अब बात आती है सिल हाइट की। सिल हाइट होती क्या है, जो हमारा ये है बेस, सॉरी ये जो हमारा बेस है और जो हमारा डोर का बेस है, ये इनके बीच का डिस्टेंस। तो अभी तो 0 है, लेकिन अगर हमें डिस्टेंस रखना है 250 mm, डोर हमें थोड़ा ऊपर बनाना है ग्राउंड फ्लोर से, तो इसको बोलेंगे हम, इस पोर्शन को बोलेंगे सिल, सिल लेवल। ठीक है, अब इसको कैसे चेंज करना है, डोर पे क्लिक किया हुआ है और यहाँ पे डोर की प्रॉपर्टी आ रही है, और यहाँ पे है सिल हाइट, और अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ 250 mm, एंटर। देखिए ये हमारी डोर हाइट, डोर की सिल हाइट चेंज हो चुकी है। तो इस तरह से हम चेंज करते हैं, इसको वापस ठीक कर लेते हैं, यहाँ पे 0 0, एंटर। ये हो गई आपकी डोर की सिल हाइट, कैसे हम चेंज करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद इस डोर पे क्लिक करके हम यहाँ पे एडिट टाइप पे क्लिक करते हैं, तो आ जाती है इसकी प्रॉपर्टी। और यहाँ पर भी आप क्लिक कर लीजिए प्रीव्यू, प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं तो डोर का प्रीव्यू आ जाएगा, और शिफ्ट दबा के अगर आप स्क्रॉल से करेंगे तो 3D व्यू। अब देखिए ये थिकनेस है, थिकनेस पे हम क्लिक करते हैं तो ये थिकनेस दिखा रहा है, ये देखिए ये थिकनेस है, ये चीज़ ये थिकनेस है। तो आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं, सिर्फ 51 है, 51, तो मैं इसको 45 भी कर सकता हूँ। ठीक है, 45 हो गई, बट अभी हम डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं 51। तो जो भी आपको प्रॉपर्टी चेंज करनी है डोर की, वो आप चेंज कर सकते हैं। हाइट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए हाइट दिखा रहा है, और कौन सी हाइट, बेस से एंड डोर हेड की हाइट 25 mm क्या है, ये क्या है, ये क्या, सारी प्रॉपर्टी आपको दी गई हैं, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं उसकी प्रॉपर्टी। ठीक है, और अगर आपको प्रॉपर्टी चेंज करनी है तो सबसे अच्छा होगा कि आप डुप्लीकेट इसको बना लें और उसका टाइटल डाल लें अपने अकॉर्डिंग, जो प्रॉपर्टी का आप बना रहे हैं डोर। इससे क्या होगा, जो डिफ़ॉल्ट इसमें फैमिली फैमिली में जो एम सिंगल प्लस 915x2134 का जो डोर है वो रहेगा, और आपको एक एक्स्ट्रा डोर मिल जाएगा आपके प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, ये डिस्टर्ब नहीं होगा, इसलिए हमेशा डुप्लीकेट बनाइए। ठीक है, ये डोर हो चुका है डिफरेंट टाइप का डोर। अब हम प्लान पे जाते हैं, डोर हम लगा चुके हैं डिफरेंट साइज़ का, लेकिन टाइप ऑफ डोर एक ही है इसमें, एम सिंगल फ्लश। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लोड लाइब्रेरी में जाएंगे और हम सेलेक्ट करेंगे डोर। देखिए डोर अगर नहीं खुला हुआ है आपका, तो लाइब्रेरी में आपको जाना है, जहाँ पे आपका रिवेट आर्किटेक्ट इंस्टॉल हुआ है वहाँ पर एक फोल्डर होगा लाइब्रेरी। ठीक है, मैट्रिक यूनिट मैंने सेलेक्ट किया तो मैट्रिक, और यहाँ पर डोर। अब देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे तो डोर का यहाँ पर आपको, सॉरी दोबारा, यहाँ पे डोर का आपको
इमेज भी नज़र आएंगे। जिस टाइप का डोर आपको चाहिए आप ले सकते हैं। तो मैं एक शटर ले लेता हूँ, शटर, ठीक है। यहाँ पे देखिए शटर आ चुका है और इस शटर को मैं लगाता हूँ यहाँ पे, ये लगा दिया, ठीक है। शटर की हाइट ज़्यादा है, विड्थ जो इस रूम के अकॉर्डिंग कम है, तो हमें इसको भी थोड़ी सी बढ़ा लेता हूँ, ठीक है, इस तरह से। अब हम 3D में देखें इसको, 3D में इसको हम रोटेट करके देखते हैं, ये लग चुका है शटर पर उल्टा लग गया है। तो हम इसको क्या करेंगे, प्लान में जाएंगे और इस शटर पे क्लिक करके यहाँ से हम इस तरह से कर लेंगे। ये हम क्या करते हैं, इस डोर को रिमूव करते हैं, इस शटर को रिमूव करके आगे लगाते हैं, हमने बैक में लगा दिया इस तरह से, ठीक है। अब हम देखते हैं 3D में, तो ये हमारा लग चुका है। और इसको अगर दोबारा से हमें चेंज कर, इसको सेलेक्ट करना है, स्पेस प्रेस करना है, या फिर आप प्लान में जाके इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। आप 3D में देखें, ये हमारा लग चुका है शटर, ठीक है। अब कोई दूसरा डोर हम लेते हैं इसे प्लान में जाके, डोर और लॉर्ड फैमिली, एक बड़ा सा डोर कहाँ के लिए, मेन गेट के लिए। तो बड़ा सा डोर यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे कॉमर्शियल डोर ले लें, कॉमर्शियल डोर भी में सही कोई डोर लग नहीं रहा, तो रेजिडेंशियल में ले लेते हैं ये वाला, ठीक है। इस डोर को ले लेते हैं हम, और यहाँ पे डोर आ चुका है और यहाँ पे हम इसको लगा देते हैं बाहर की तरफ, ओपनिंग इसकी रख देते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम और भी डोर ले लेते हैं, एक ये डोर ले लेते हैं जिसकी ओपनिंग हम रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। और एक और डोर ले लेते हैं हम छोटा सा, और जिसकी ओपनिंग हम रखते हैं यहाँ पे इस तरह से। आप 3D में देखते हैं किस किस तरह के डोर्स हैं, देखिए आपको किस किस तरह के डोर्स ये नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो हम डिफरेंट टाइप के डोर्स लाइब्रेरी से फैमिली में जाके लोड कर सकते हैं। अब बात आती है, जब भी आपने कोई सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग या आर्किटेक्चर ड्राइंग देखी होगी, तो हर डोर को एक नंबरिंग दी होती है, D1, D1 यानी कि जो जिन जिन डोर्स के ऊपर D1 है उन सब का सेम साइज है, सेम तरह के डोर हैं, D1, D2 अलग डोर है। तो हम इस तरह से टैग कैसे करें, तो मैंने क्या किया, हम डोर पे गए और यहाँ पे है टैग, ठीक है। हमने टैग पर क्लिक किया, अब मैं कोई डोर बनाता हूँ तो देखिए उस पर डोर नंबर 11 आ रहा है, ठीक है। अब ये जो डोर नंबर 11 आ रहा है, इस पर अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ से इसको वर्टिकली भी चेंज कर सकते हैं और लीडर भी लगा सकते हैं इसमें, ठीक है, इस तरह से लीडर। तो ये चेंज हो चुका है। अब एक और डोर बनाते हैं, हम एक डोर यहाँ पे बना देते हैं, तो इसका 12 नंबर आ गया, ठीक है। अब हमें सभी को नंबरिंग देनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आर्किटेक्चर के अंदर ही देखिए, ये है एक रूम एंड एरिया वाला ब्लॉक, उसमें टैग रूम पे क्लिक करेंगे और टैग ऑल नॉट टैग, ठीक है, जितने भी टैग नहीं दिया है उन सबको टैग मिल जाए। तो सभी को टैग मिल चुका है। अब बात आ रही है कि हम जो सेम सेम है उनको सेम टैग दें, जैसे कि ये है, ठीक है, एक मिनट, इस पे हमने क्लिक किया और इसको दे दिया D1। अब हम चाहते हैं इस वाले ऐसे जो भी सेम डोर है उन सबको D1 मिल जाए, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और SA कमांड से क्या होगा, जो चीज़ सिलेक्ट की है उसके जैसी जितनी भी चीज़ें हैं सब सिलेक्ट हो जाएगी SA से, ठीक है। देखिए तीन डोर हैं, तीनों सिलेक्ट हो गए हैं। और हमने यहाँ पे देखिए मार्किंग ये रही, और यहाँ पे मार्किंग में डाल देता हूँ D1 और एंटर, ओके। तो जो भी सेम साइज़ है देखिए, D1 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 ये मार्किंग आपकी हो चुकी है, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे कि आपको है ना प्रॉपर्टी चेंज करनी है किसी भी चीज़ की, जैसे मान लीजिए जैसे कि आपको है ना, सबसे पहले तो बहुत बड़ी आर्किटेक्चर ड्राइंग है और आपको बहुत दिक्कत हो रही है समझने में चीज़ों को, आपको डोर पे काम करना है या वॉल पे काम करना है, जो एक्स्ट्रा चीज़ें उनको कैसे हटाया जाए। तो आप व्यू पैनल, व्यू में जाएंगे, व्यू टैब, और यहाँ पे आपका विजिबिलिटी ग्राफिक, और यहाँ पे केवल उसी को चेक मार्क करो जिस पे आज जो चीज़ आपको देखनी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे डोर पे से अगर मैं हटा दूँ और ओके कर दूँ तो डोर सारे हाइड हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं इस पे क्लिक करूँगा तो डोर पे क्लिक करूँगा तो डोर वापस आ जाएंगे,
तो इस तरह से हम विजुअल ग्राफिक में जाके VG भी प्रेस कर सकते हैं, हम सारी चीज़ें इस तरह से हम कर सकते हैं। आप टैग लगा सकते हो और आप सेम डोर्स को सेम टैग दे सकते हो, डोर की प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हो, डोर की ओपनिंग चेंज कर सकते हो, फैमिली में जाके लोड कर सकते हो डोर, और आपको क्या करना होगा सेल की हाइट भी चेंज कर सकते हो डोर में। तो ये सारी चीज़ें आप इस वीडियो में सीख चुके हैं, डोर में जो जो चेंजेस आते हैं वो हो चुके हैं। ठीक है, आगे जब हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट करेंगे तो हो सकता है हमें और भी चीज़ों की ज़रूरत पड़े, तो हम उसकी तब बात करेंगे। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको एक घर बनाना है जिसका जो फ्रंट होगा उसमें एक स्टील का बड़ा सा गेट लगा होगा, पर जो हमारी लाइब्रेरी में नहीं है, तो हमें एक लाइब्रेरी में एक बनाना पड़ेगा उसके जैसा। ठीक है, तो उसको तब हम सीखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही डोर्स के बारे में। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर सिविल इंजीनियर से रिलेटेड बहुत सारा डाटा है जो आपको कभी भी आज नहीं आ रहा है काम, एक कभी और काम जरूर आएगा। थैंक यू।